वेद प्रकाश जी आपको क्या आ गया? ओम स्वामी जी आपके चरणों में सत सत नमन। हाँ। मेरी पोती आपके यहाँ शिविर में आई थी और उसको बालों में झड़ने की शिकायत थी। क्या नाम है? शिवानी बंसल। शिवानी, हाँ। तो उसने केशकांति एडवांस का प्रयोग किया और उसको काफी फायदा है और मेरे को बोला कि बाबा आप जा रहे हो शिविर में तो दो मतलब है कि केशकांति एडवांस ले आना क्योंकि कई जगह मिलती नहीं है ये। हाँ, इसको और बढ़ा रहे डिस्ट्रीब्यूशन। और स्वामी जी मेरा एक निवेदन है कि ये जो एलोपैथिक डॉक्टर्स के खिलाफ आप जो कहते हैं वो 100 नहीं 1000% सही है। मानता हूँ कि 10-5% डॉक्टर सही होते हैं मगर 90% डॉक्टर डकैत होते हैं। मुझे मतलब बीपी की शिकायत हुई और उसके बाद मैंने दसियों दफा चेक करवा लिया मगर बिल्कुल सही आया और वो कहते हैं नहीं जिंदगी भर आप ये बीपी की दवाई लो। मैसेज को भी बीपी की दवाई लो, मैंने यहाँ आते ही बीपी की दवाइयाँ फेंक दी और यहाँ नंबर आया मैंने बिल्कुल सही आ रहा है। इसी तरह से जैसे कोरोनिल आपने बनाया उसके लिए आपको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था। एलोपैथी के डॉक्टर्स ने ऐसा षड्यंत्र फैलाया कि ये कोई इलाज है, उनकी महंगी महंगी दवाइयों को खाओ। और स्वामी जी हालांकि बहुत बातें हैं मेरे मन में मगर एक बात लास्ट कहूंगा कि जैसे मेरे घुटनों में दर्द था, फोर्टिस के डॉक्टर कहते हैं नी रिप्लेसमेंट कराओ, मिसेज को कंधे में दर्द था ऑपरेशन होगा 21 दिन में टांके कटेंगे, यहाँ मैं आया संगीत चिकित्सा करवाई, मुझको और मिसेज को 50-60% तो फायदा है और धीरे धीरे और हो जाएगा। एक अंतिम बात मैं कहूँगा स्वामी जी, एक और षड्यंत्र एलोपैथी के डॉक्टर्स का कि जैसे कोई इलाज होता है एलोपैथी का तो चाहे 5 लाख का खर्चा हो 10 लाख का हो आपको दे देंगे और आयुर्वेद और योग के नाम पे 40-50 हज़ार का भी हम क्लेम करते हैं तो कहते हैं ये कोई इलाज है, तो इनकी मिली भगत है षड्यंत्र है, इसके खिलाफ भी कुछ होना चाहिए। ओम शांति। जो 5-5, 10-10 लाख का वो करवा देते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी मिलता है, उसको अब करवा रहे हैं, हम अभी करवा रहे हैं, उसको भी करवा रहे हैं। अब देश के प्रधानमंत्री स्वयं योग करते हैं, आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं, देश के स्वास्थ्य मंत्री भी भाई मनसुख भाई मांडविया जी वो भी अच्छे हैं, एक बार दोनों के लिए ताली बजा दो। आयुष मंत्री भी बहुत अच्छे हैं हमारे सर्वानंद सोनोवाल जी। पहले की सरकारों ने ना योग को, आयुर्वेद को, प्रकृति को, संस्कृति को बिसरा दिया, नए पत्थर पर धकेल दिया था।